हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस कर्नर। तो आज आम दिल्ली सल्तनत पार्ट टू पढ़वा। पार्ट वन रे आम कौन पढ़ुले ना, आम जो फास्ट आम देखो, फास्ट आम जो देखा मेडिवल एज रे आम फास्ट पढ़ुले कौन, राजपूत डायनेस्टी। तो राजपूत डायनेस्टी रे मेजर रूलर जो मैंने थे जमी तमारो, तापरे अनंगपाल, राइट साइड रे स्लाइड रे देखो देखि पार तमारो, अनंगपाल, चौहान, पृथ्वीराज चौहान, एमती कि यर्लीएस्ट तुर्किस रूलर जो मैंने अच्छा देख, कुतुबुद्दीन आइबाक, आउ शमशाबुद्दीन इल्तुमित, आउ रेजिया बलबान, ये सब जिनस आम पढ़ले। खलजी डायनेस्टी विषय पढ़ले। तो ये टाइम पीरियड को मन रख, आउ सिक्वेंस को मन रख। जमी आम फास्ट जमी पढ़ुले, फास्ट इयरली 12th century आम तमारो जो पढ़ुले 1165 टू स्टार्ट करी, इयरलीस्ट तुर्किस रूलर जोटा कि आम स्लाब डायनेस्टी आम कहे, से 1206 टू 1290। खिलजी डायनेस्टी बा खलजी डायनेस्टी जोड़ा 1290 टू 1320। तापर आम आज पढ़ा कौन, तुगलक डायनेस्टी। ओके, तुगलक डायनेस्टी रो टाइम लाइन देख, 1320 रु 1414, माने क्लोज टू 100 इयर कहीपर। ओके, 94 इयर। तापर सईद डायनेस्टी, तापर लोदी डायनेस्टी। तो यही सब जिनस को आम पढ़ा। तो आम जो बुक अच्छी आम देखा एवं कौन अच्छी, तो फास्ट देख मोहम्मद बिन तुगलक विषय पढ़ा। तो फास्ट जिनस है এই চ্যাপ্টার কু স্টার্ট করা আগর দেখ আমার যে ফিলিম পাই যে পিলা মানে অনেক সে এতে তাঁর যে টেলিগ্রাম রে গোটে গ্রুপ অছি, টেলিগ্রাম গ্রুপ রে বেসিক্যালি ইট ইজ এ পেড গ্রুপ। তো তাঁপাই এটা তুমি মানে এই কোশ্চেন আনসার কমেন্ট সেকশন মেনশন করে পারিব, হু কনস্ট্রকটেড টু মস্ক, যে কনস্ট্রকটেড কি আমার এই পর্টিকুলারলি এই যে কুতুব উল ইসলাম মস্ক আউ अढ़ाई दिन का झोपरा, तो किए करते कुतुबुद्दीन आइबाक। तो जो एस्टाब्लीशमेंट जो करते कन्स्ट्रक्ट करते से फास्ट कुत उल इस्लाम जो अच्छी दिल्ली में करते अढ़ाई दिन का झोपरा आम कौटी अच्छी क्वेश्चन। तापर सेकेंड क्वेश्चन, हु वाज द अथर अफ मुबारक साही। कल आम पढ़ते मुबारक साही अथर किए, तापर ताज उल मसीर को किए लिखी। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, रुकनुद्दीन फिरोज वाज द सुल्तान अफ ह्विज डायनेस्टी, इलबरी डायनेस्टी ना स्लाब डायनेस्टी ना आमर जो ये देखते खलजी डायनेस्टी ना तुगलक डायनेस्टी। तो या भी तुम आंसर देवाई ट्राए कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन, रजिया सुल्तान क्या म्यारिड करते म्यारी करते। तो ये पांचटा क्वेश्चन तुम्हें कमेंट सेक्शन में मेनसन कर, जो मैंने पेड ग्रुप अच तुम्हें यही थ्री कमेंट सेक्शन में मेनसन कर। ओके, तो ये आम देखा कौन मोहम्मद बिन तुगलक को विषय स्टार्ट करिबा। फास्ट देखो, फास्ट आमे कौन पढ़िबा, मोहम्मद बिन तुगलक को विषय पढ़िबा। तो इट जस्ट मुझे एक्सटेंड करुच्ची। तो फास्ट देखो, मोहम्मद बिन तुगलक को ना कौन थी आगुरी ताकू जानवा आगु देखो आम जो एबे जो डिस्कस कले 1325 टू 1351 से थिले। सो 1325 आम जो देखी ये एनसीईआरटी रे कौन लिखाई, देखो আমি ডাইরেক্ট মোহাম্মদ বিন তুগলক কু নেছে, তেমন মোহাম্মদ বিন তুগলক 1324, তাহলে তাঁর আগু যে বিষয়ে আমি পড়া। তো তাকে মু জস্ট এটি ওপন করছি, দেখ এটা হল তুগলক ডাইনেস্টি। তো 1320 রু 1414 যায় তাঁর যে ডাইনেস্টি লা তুগলক ডাইনেস্টি। তো ফাস্ট আমি কইপার, ফাস্ট রুলর ঘিয়াসুদ্দিন তুগলক, যেটা কি আমি পড়িলে কো টাইমে পড়িলে না, আমি যে আমার যে আরব আরব কনকোয়েস্ট যেত পড়িলে সেতরে পড়িলে। তো এইটি দেখ কোন লেখাইছি, গজি মলিক অর গয়াসুদ্দিন তুগলক ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ তুগলক ডাইনেস্টি অর ডাইনেস্টি অফ কুরানা তুর্ক। তো এই যে তুর্ক মানে মানে কোন বেসিক্যালি তুর্ক, তো ইয়ারলিয়র তুর্ক মানে যে আমার যে ফাস্ট লে আমি কই পারিবা তুর্ক মানে যে ঘরি মানে যে কই পারে ঘরি, তারপরে তাঁকর যে স্লাব থিলে কুতুবুদ্দিন আইবাক, এমানক পরে তুগলক ডাইনেস্টি जो आम कहे सही तुर्क मान कौन पुराना तुर्क। तो हि वाज द फास्ट सुल्तान अफ दिल्ली हु टुक अप द टाइटल अफ गजी और स्लेयर अफ द इनफिडेल। तो गजी टाइटल से फास्ट आडप्ट करते, तेनालीटा गोटे बहुत इंपोर्टाट जिनस। देन हि लिबरालाइज अलाउद्दीन आडमिनिस्ट्रेटिव पलिसी। अलाउद्दीन खिलजी पर ये राजा हेले, तो अलाउद्दीन के आम जो देखा अलाउद्दीन के अलाउद्दीन खिलजी 1316 जाते। সো ইয়ে কেবে রু হেলে 1320 রু হেলে। তো সেই যে আলাউদ্দিন খলজিঙ্কর যে আডমিনিস্ট্রেটিভ পলিসি থিলা তাকু সে লিবরালাইজ করলে। লিবরালাইজ মানে সেটা কোন বহুত স্ট্রং থিলা বা বহুত হার্ড থিলা বা বহুত স্ট্রিক্ট থিলা, তো সেই যে স্ট্রিক্ট পলিসি গুড়াকু লিবরালাইজ করলে, আর ইজি করাইলে,
and took a keen interest in construction of canal and formulated a famine policy. तो canal construction करिवारे से गुरुत्व आरोप कले importance देले आउ famine policy भी से formulate कले सब point इतने important. Then judicial and police arrangement were also made efficient. तो judicial arrangement और police arrangement भी इतने efficiently हैला. तापरे next important कौन? He gave up the land measurement system and started बताई system. तो बताई system से introduce करतले इटा भी मन रखिवो. एंड शेयरिंग ऑफ बोताई सिस्टम का मैं कौन कहूँ बोताई सिस्टम मैंने तुम मेंशन कर पार जे शेयरिंग ऑफ क्रॉप ओके तो क्रॉप शेयरिंग सिस्टम भी से इंट्रोड्यूस करते तापरे एफिशिएंट पोस्टल सर्विस वाज रिस्टोर्ड तो बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट सब ये अच्छी गोटे गोटे पॉइंट की तुम नोट्रे लिखिपर तापरे नेक्स्ट जिनस है ही सेंट हिज सन जोना खान टू री एस्टाब्लीश द अथॉरिटी इन वारंगल तो जो पुओ जोना खान किए मोहम्मद बिल तुगलक तुगलक को से कहा कोड़े पठे थे वारंगल जोटा कि तेलंगाना रे अमर अच्छी तो ककटिया डायनेस्टी अच्छी आउ मदुराई मदुराई को भी से पठे थे तो बेसिकली आमर गैसुद्दीन तुगलक तांकर सन जो थे जोना खान को से वेस्ट आमर जो सदर्न पार्ट को अथॉरिटी एस्टाब्लिश करिया पे पठे थे तापरे तुगलक तुगलकाबाद जो आमे कहूचे तुगलकाबाद को किए बिल्ड करथले गयासुद्दीन तुगलक कोठी करथले दिल्ली रे करथले आउ तुगलकाबाद को से कैपिटल किए करथले से गयासुद्दीन तुगलक देन नेक्स्ट इंपोर्टेंट जिनस सुफिसेंट शेख निजामुद्दीन अवलिया सेड दिल्ली इज फार अवे इन रिगार्ड टू हिम सो दिल्ली इज फार अवे इन रिगार्ड टू हिम तापरे से 1325 रे तांकर डेथ हला किमिति ना हाई रेज पेविलियन तो हाई रेज पेविलियन रु पड़ी कि तांकर डेथ हला ताले मते कह किए चौघन खेलला बेल को चौघन जो खेलुले चौघन खेलला बेल को कहार डेथ होता को स्लाब डायनेस्टी रूलर सुल्तान चौघन पोलो खेलला बेल को डेथ होता घोड़ पड़ी तापरे नेक्स्ट जिनस इबन बतुता जी कि मोरक्कोर ट्रैवलर थे से दिल्ली में थे एट दैट टाइम ओपिन्ड दैट हिज डेथ वाज ड्यू टू साबोटेज अरेंज्ड बाय हिज सन जोना खान तेणु जोना खान जेहेतु से बड़ हो जाइए से चाहूले जे मु राजा हेबी जल्दी जिते जल्दी मो बापा डेथ हे तो ताकू बेस करी से बेसिकाली तर कुंत्रणा कुमंत्रणा करी से डेथ करेले किए कहले उवन बतुता इवन बतुता जे कि मोरक्कोर ट्रैवलर थे कहले तो मोरक्को जो अच्छी सिटी कौ कौ महादेश कौ कंटिनेंट रे अच्छी तुम मत कमेंट मेनसन कर देखाओ मोरक्को कौ कंटिनेंट रे अच्छी एशिया रे अच्छी आफ्रिका रे अच्छी यूरोप रे अच्छी ना साउथ अमेरिका रे ना नॉर्थ अमेरिका रे बा ऑस्ट्रेलिया रे कोठी अच्छी कमेंट रे मेंशन कर तो एतिक पढ़ला परे नेक्स्ट इंपोर्टेंट रूलर हमें देखिबा मोहम्मद उनिन मोहम्मद बिन तुगलक ओके तो तांकर जो टाइम पीरियड देखो 25 टू 51 तो 26 इयर्स से रूल करचंती तो बहुत इंपोर्टेंट प्री पीरियड थिबो निहाती 26 इयर्स जे तो रूल करचंती सो जोना खान जे कि तांको नाम मोहम्मद बिन तुगलक असेंडेड द थ्रोन अंडर द नेम मोहम्मद बिन तुगलक He was one of the most extraordinary king who ever sat on the throne of the Delhi. He was an expert in Arabic, Persian, astronomy, philosophy, math and medicine. तो one type of से all rounder थिला में कोई परिवार. Then से तंकर रेशनल और innovative mind को use करी कि सब वो aspect of administration को नहीं कि से little success achieve कर थिले बहुत कम success किंतु achieve कर थिले आज he was very hasty in nature बहुत चूजी थिले तो he was very hasty in नेचर सेथिपाई से बहुत कम सक्सेस अचीव करथिले जदियो से एबल एडमिनिस्ट्रेटर जने थिले तो मोहम्मद बिन तुगलक कर पांचटा एम्बिशियस प्रोजेक्ट थिला तो पांचटा एम्बिशियस प्रोजेक्ट कोन कोन थिला ना टैक्सेशन इन दोआब 1326 ट्रांसफर ऑफ कैपिटल तापरे इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी तापरे खरासन एक्सपेडिशन कराची एक्सपेडिशन तेणु एटा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट तो टैक्सेसन इन दोआब को जदि आमे देखुचे सुल्तान कौन कले ना सुल्तान मेड एन इल एडवाइज्ड फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट इन दोआब बिटवीन द गंगास एंड यमुना तो गंगा और यमुना भितर जो पार्ट बस प्लेन एरिया ताको कौन कहती दोआब कहती तो ही नॉट ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेशन बट ऑल्सो रिवाइव्ड एंड क्रिएटेड सम एडिशनल सेसेस बा अवाब अवाब को सेतेबेले सेसेस माने सेसेस को अवाब कहा जाउथला तो बेसिकली से कौन कले ना दोआब रीजन रे टैक्सेशन को बढ़े देले रेट ऑफ टैक्सेशन को बढ़े ले पुनी सेस भी बढ़े देले
नेक्स्ट कैपिटल से ट्रांसफर करते सो मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेप वाज टू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी सो द ही रिनेम देवगिरी आज दौलताबाद सो दौलताबाद आमर कौ स्टेट रे अछि तमे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो जे दौलताबाद कौ स्टेट रे अछि तो एमती है कि तमे जो दौलताबाद देख पूरा साउथ पार्ट रे अछि आमर दिल्ली टा कोन नॉर्थ पार्ट रे अछि साउथ को जे हेते बड़े से तांकर कैपिटल को शिफ्ट कर देले सेते बड़े कोन सेटा गोटे कंट्रोवर्शियल आस्पेक्ट रे कन्वर्ट हो गेला एटा हला सेकंड प्रोजेक्ट। थर्ड कौन ना से जो टोकन करेंसी भी इंट्रोड्यूस करते 1329 रे मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ब्रॉन्ज कॉइन इनस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन व्हिच वुड हैव द सेम वैल्यू। ओके तो से ब्रॉन्ज कॉइन एस्टैब्लिश करले बा इंट्रोड्यूस करले आउ इनस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन तो सिल्वर कॉइन आउ ब्रॉन्ज कॉइन रो वैल्यू सेम थिला सेति पई कोन हला ना तांकर प्रॉब्लम हेतला कोन गोटे प्रॉब्लम हेतला ताकू तमे पूनम दलाल बुक रे जदि पढिबो सेतिरे जानि परिबो एनसीआर ट्री बेटर जानि परिबो तांकर एडा एक्चुअली लॉस हेतला बहुत सारा कोन पे डुप्लीकेट आमर ब्रॉन्ज कॉइन जेतेबेले करतले सेतेबेले बहुत सारा डुप्लीकेट कॉइन आसिला तो सेतेबेले को सेई जिंस को नै कि प्रॉब्लम हला। तापर देखो खुरासन एक्सपेडिशन, खुरासन एक्सपेडिशन जदि के करथिले कहिबो ताले सिंपली मन रखियो मोहम्मद बिन तुगलक। तो अंडर द विजन ऑफ यूनिवर्सल कॉन्क्वेस्ट ही डिसाइडेड टू कॉन्क्वेस्ट खुरासन एंड इराक एंड मोबिलाइज्ड ए ह्यूज आर्मी फॉर दिस पर्पज। तो खुरासन एक्सपेडिशन जो कले से कौन कले ना आमर जो खुरासन जो एरिया तुम्हें देखो मैप रे सर्च करके मुझे जस्ट देखे दूची ना खुरासन देख आमर जो यदि मुझे मैप देखी तेल इजिली तुम जापर देख खुरासन कौटा आम कहींपर आमर जो सिंध पर जो आमर जो ईरान ईरान तो नुह आमर पाकिस्तान आउ ईरान भितर जो प्लेस रोचे से खुरासन कहींपर एटा देख इराक अच्छी यही जो अच्छी आमर ये पार्टा खुरासन जो पर्टिकुलर पार्टा से ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान आमर ट्रांगेल जदि करवा से भितर मझे रहा। ओके तो खुरासन देख ल तो बेसिकाली ही डिसाइडेड टू कन्क्वेस्ट खुरासन इराक लेफ्ट साइड रे अछि एंड मोबिलाइज्ड ए ह्यूज आर्मी फॉर दिस पर्पज। खुरासन एक्सपेडिशन इज एसोसिएटेड विथ मोहम्मद बिन तुगलक। देन कुराचिल एक्सपेडिशन, कुराचिल एक्सपेडिशन देखो 1329 रे दुईटा जिनस इंट्रोड्यूस करते गोटे इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी सेकेंड जिनस खुरासन एक्सपेडिशन 1330। नेक्स्ट ईयर से कौन कले ना दिस एक्सपेडिशन वाज लॉन्च्ड इन कुमाऊन हिल इन द हिमालय अलेक्सली टू काउंटर चाइनीज इनकर्सन। तो चाइनीज इनकर्सन को काउंटर करने से ये एक्सपेडिशन करते आम कौचे कुराचिल एक्सपेडिशन। तो द अटैक वाज सक्सेसफुल बट व्हेन द रेनी सीजन सेट इन द इनवेडर सफर्ड टेरिबली सो ही डायड इन तथा सिंध तटा मैंने सिंध कहा सिंध से एरिया टाक व्हाइल कैंपेनिंग अगेंस्ट तुर्की स्लाव तागी। ओके सो गोटे तुर्की स्लाव तागी ना तुर्की स्लाव ताना कौन तागी एगेंस्ट कैंपेन कला बेलू डेथ होता तेणु मन रखी जो जोना खान ना कौन मोहम्मद बिन तुगलक सीए बेसिकली खुरासन एक्सपेडिशन बेले डेथ हो ना कुराचिल एक्सपेडिशन रे डेथ होगा कौ एरिया रे सिंध एरिया रे केते बेले ना जो गोटे तुर्की स्लाव ना तागी एगेंस्ट जो कैंपेन करते डेथ है सब इम्पोर्टेंट जिनस दीवान ई कही आउ इबन बतुता। ताले तमे गोटे क्वेश्चन आंसर दियो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो दीवान ई अर्ज माने कौन कमेंट सेक्शन में मेंशन करो आ खातारे लिखिक रख तमे ये वीडियो देख सारा पर कौन करिवो ना ता आंसर को कमेंट सेक्शन में मेंशन करिवो। तो मु जो जिनस गुडा को तुमको कहू छी खाली सिंपली वीडियो डा देखि देले हेबोनी तुम जे देखिवो सर्च करिवो बा तुम से बुक रे देखिबो जे कोन मु पचारुची ताकू हेले जे से गुडा देखिला पर जे कि तमरो रिमाइंड हबो रिबाउंड हबो तमो माइंड रे ताले जे कि तमरो मन रहइबो। ओके तो दीवानी कही आमे जो कहूचे इट इज द न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ओके सेटअप हैला ही बिल्ड फोर्टिसेस ऑफ आदिलाबाद, आदिलाबाद फोर्ट भी से तैयारी करथले बा निर्माण करथले एंड सिटी ऑफ जहांपना। तो आमर जदि देखिबा मोहम्मद बिन तुगलक नुआ डिपार्टमेंट को क्रिएट करथले आदिलाबाद फोर्ट भी क्रिएट करले और जहांपना भी क्रिएट करथले सिटी। इबन बतुता विषय में आम देखा फेमस मोरक्कन ट्रावेलर इबन बतुता केम टू दिल्ली इन 1334 एंड एक्टेड आज काजी ऑफ द कैपिटल फॉर 8 ईयर। काजी माने आम प्राइम मिनिस्टर कहीपर ही रेकॉर्डेड द कंटेम्पोररी इंडियन सीन इन
इज सफरनामा। तो रेहला जो लेखिथिले से रेहला गोटे कौन बुक जे कि इबन बतुता लेखिथिले ताको आमे सफरनामा कहउछि। तो चीफ जो आमे कहि परिबे काजी QAZI। तो काजी माने बेसिकली कौन ना गोटे रिलीजियस ऑफिसर हिसाब से काम करथिले। मु जो कहली प्राइम मिनिस्टर सेटा नो काजी माने कौन गोटे रिलीजियस हेड जे थिले से काजी। ओके तेणु इबन बतुता जेहेतु गोटे फॉरेन रो ट्रैवलर थिले ताकु क्याजी हिसाब रे से रही थिले। तापरे देखो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक भी सेमती 1351 रु 1388 माने बहुत लेंथी तांकर पीरियड थिला। देखो टोटल आमे कहि परबा 37 इयर्स से रूल करथिले। सो फिरोज शाह तुगलक फेस द प्रॉब्लम ऑफ प्रिवेंटिंग द इमिनिएंट ब्रेकअप ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। सो ही ट्राइड टू अपीज द नोबिलिटी द आर्मी एंड बतुता थियोलोजिया। तो जेहेतु यांको टाइम रे तांकर डेथ हे गला अमर के 1330 रे 1330 पर देखो आउ अमर डेथ अमर जो तापर देखो बहुत सारा डिसकंटिन्यूटी छि। तापर 1351 रे जेकी फिरोज शाह तुगलक अमर पुनी आउथरे पावर को आसीले। तो से कोन करथले ना इक्ता सिस्टम को से हेरिडिटरी करथले। तो एटा गोटे इम्पोर्टेंट जिनस जेंति आमे मन रखिले कोन मन रखिले ना बेसिकली से बताई सिस्टम इंट्रोड्यूस करथले गेव अप द लैंड मेजरमेंट सिस्टम आउ बताई सिस्टम इंट्रोड्यूस करथले। सेमती आमर जो देखिबा जोना खान बा मोहम्मद बिन तुगलक नुआ नुआ जिनस जो एस्टाब्लीश करथले जेंति ब्रॉन्ज टोकन करेंसी स्टार्ट करथले। तापरे न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट करथले नुआ फोर्ट बिट डेवलपमेंट करथले। तापरे फिरोज शाह कोन करले सेमती ना एकता सिस्टम जो थिला एकता सिस्टम एकता रे कोन थिला बहुत सारा जो प्रोविंस थिला से गोटा डिवाइड हेइथिला। से डिवाइड रे जो हेड थिले सब सब प्रोविंस रे गोटे गोटे हेड थिले बा गवर्नर थिले। तो मझेरे किए रहिले सुल्तान रहिले। तो ए जो इक्ता सिस्टम जो थिला ए इक्ता सिस्टम रे अपॉइंटमेंट जो होतले गवर्नर से मानको कोन करा गला हेरिडिटरी करा गला पापा परे पुओ परे ता पुओ हो एमते कि रहिला। सो ही एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी टू द आर्मी। आर्मी को भी से एक्सटेंड कर देले पापा यदि सैनिक अछि पुओ भी सैनिक हो ता पुओ भी सैनिक हो एमते कि तार प्रिंसिपल सेमती कर देले। सो द सोल्डर वेयर नॉट पेड बाय कैश बट बाय असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ विलेज। तो ताकु आमे कोन कहउछंती लैंड रेवेन्यू एट विलेज को वजेह कहउछंती वजेह। सो दिस टेक्निक लेड टू मेनी अब्यूसेस। दिस टेक्निक लेड टू मेनी अब्यूसेस। ताले कोन हला इन ऑर्डर टू एनकरेज एग्रीकल्चर द सुल्तान पेड ए लॉट ऑफ अटेंशन टू इरिगेशन। सो एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करिया पई सुल्तान कौन कले ना इरिगेशन को गुरुत्व देथिले जेमति गयासुद्दीन तुगलक। ही रिपेयर्ड ए नंबर ऑफ केनाल। से भी करथिले ई सब जिंस कंस्ट्रक्ट करथिले बट ये रिपेयर करथिले। सो द फर्स्ट केनाल वाज फ्रॉम सुतलेज टू घाघर। सुतलेज टू घाघर से फर्स्ट केनाल से रिपेयर करथिले। द सेकंड केनाल कैरीड वाटर फ्रॉम यमुना टू हिसार। तो सुतलेज टू घाघर एंड यमुना टू हिसार। तापरे देखो ही इम्पोज्ड हक इज रब और हसिल इज रब दैट इज वाटर टैक्स। तेणु वाटर टैक्स की इम्पोज करथिले फिरोज शाह तुगलक। तापरे ही एनकरेज द प्रैक्टिसेस ऑफ स्लावेरी एंड सिलेक्टेड यंग बॉय फ्रॉम द कॉनकॉर्ड टेरिटरी फॉर द पर्पज। सो दीवान ई बंदगांव वाज द क्रिएटेड एज डिपार्टमेंट ऑफ स्लाव। जिते सब डिपार्टमेंट ताको मन रखिबो क्वेश्चन आसिबो दीवानी कही हला डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आउ आमर जो दीवान ई बंदागन हला कोन डिपार्टमेंट ऑफ स्लाव। तापरे मु जे तुमको देखेबी दीवान ई दीवान ई जदि आमे सर्च करूचे बहुत सारा जिंस पाई परिबा। सो दीवानी कही दीवानी बंदागन तापरे दीवानी खैरत जोटे के आमे परे पढिबा। ओके रसालत अर्ज हाँ बलवान टाइम रे देखो ए आमे देखथिले दीवानी अर्ज जोटे की मिलिटरी डिपार्टमेंट स्टार्ट करथले आउ फाइनेंस डिपार्टमेंट भी करथले दीवानी वजारत। आमे चारटा जिंस देखिले दीवानी अर्ज हला मिलिटरी डिपार्टमेंट दीवानी वजारत हला फाइनेंस डिपार्टमेंट। तापरे अलाउद्दीन दीवानी रियासत। ओके तो एडा मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट। तापरे नेक्स्ट जिंस दीवानी कही जोटे की एग्रीकल्चर तापरे दीवानी बंदागन डिपार्टमेंट ऑफ स्लाव। एति की आमे जानले। तापरे ताकर जदि नु आउ किछि कंट्रीब्यूशन देखिबा ताले कोन होबो ना सिए नुआ टाउन करथिले न्यू टाउन ऑफ फतेहाबाद जिमति जहां पना करथिले कि कुतुबुद्दीन आमर के मोहम्मद बिन तुगलक। सेमति फतेहाबाद के
करथले फिरोज शाह तुगलक, हिसार करथले, हिसार भी कर एस्टाब्लिश करथले, जौनापुर एस्टाब्लिश करथले मोहम्मद बिन तुगलक को मेमोरी रे जौनापुर, तांको ना जौना खान थिला। तो मन रखिबो जे जौना खान जहर थिला ना सी एस्टाब्लिश करनथले, तांको मेमोरी रे फिरोज शाह तुगलक एस्टाब्लिश करथले, फिरोजाबाद तांको निज नारे एस्टाब्लिश करथले। तो एडे कन्फ्यूज लागिबो, तनो मन रखिबो जे आमर जो जौनापुर और फिरोजाबाद जणे ही करथले, जौनापुर तांको नारे रहिला आमर जो मोहम्मद बिन तुगलक जी थिले, और फिरोजाबाद रहिला फिरोज शाह नारे। सो ड्यूरिंग हिज बेंगल कैंपेन, बेंगल को जितेबाला से जाइथिले से कौन कले ना ही रिनेम इकडोला आज आजापुर एंड पांडुआ आज फिरोजाबाद। तेणु देखिबो जे वेस्ट बेंगल ने दुटा स्टेट आमर जो प्लेस अछि आजादपुर आउ फिरोजाबाद, इटा इम्पोर्टेंट। तापरे दुटा पिलर से अशोकों ठूँ आनी तोपरा और मीरठ टू दिल्ली एंड रिपेयर कुतुब मीनार व्वेन इट वाज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। ये देख प्रिवियस ईयर क्वेश्चन आगु पढ़ी, तेणु या मन रखिब। कौन मन रखिब ना तोपरा आउ मीरठ रु जो दुटा अशोकान पिलर थी किए आनी फिरोज शाह तुगलक आनी कौट आनी दिल्ली को आनी आउ कुतुब मीनार को से रिपेयर करते जितेबाला लाइटनिंग द्वारा से स्ट्रक हो जाऊला। कुतुब मीनार को कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, कुतुब मीनार को किए एस्टाब्लीश करते आउ किए स्टार्ट करते किए कंप्लीट करते। तापर देखो ही एस्टाब्लीश दिल्ली हॉस्पिटल एट दिल्ली दारुल शिफा, तेणु दारुल शिफा को किए एस्टाब्लीश करते फिरोज शाह तुगलक। तापर न्यू डिपार्टमेंट जो करते दीवानी खैरत, न्यू डिपार्टमेंट दीवान ई खैरत वाज सेट अप टू मेक प्रोविजन फॉर मैरिज ऑफ पुअर गर्ल। ओके सो पुअर गर्ल मानकर मैरिज पई से ओटे डिपार्टमेंट करथिले दीवान ई खैरत। देखो बहुत टेक्निकल टर्म ए सब मन रखिबो नले भूल भाल हबो। तापर ही इंट्रोड्यूस टू न्यू कॉइन्स अधा माने जीतल। ओके आउ आउ डे लिखाई छी एठी बिक, बिक माने 25% ऑफ जीतल। तो जीतल आमे जो देखिबा जीतल आमे कोड देखथिले आमे फास्ट रो आमे देखथिले, मु जस्ट देखोछ तुमको जीतल। देखो कॉपर रो जो करेंसी को आमे जीतल कहंती, सिल्वर को टंका कहंती। तेणु कॉपर रो जो जीतल थिला सो कॉपर कॉइन रो अधा जो कहिले सेटा 50% आउ बिक कॉइन बिक जोटा थिला सेटा 25%। तापर देखो नेक्स्ट जिनस, मथुरा वाज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग हिज पीरियड, मथुरा को डिस्ट्रॉय करा जाय थिला। तापर जजिया को सेपरेट टैक्स करथले फिरोज शाह तुगलक एंड ही इम्पोज दिस टैक्स अपॉन द ब्राह्मण्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सुल्तानेट। तापर देखो तांको टाइम रे बरानी बोली हिस्टोरियन आसथिले, हिस्टोरियन थिले बरानी, द हिस्टोरियन वाज इन कोर्ट, ही रोट तारिख ई फिरोजशाही, तारिख ई फिरोजशाही आउ फतवा ई जहांगीरी। तो मन रखियो फतवा ई जहांगीरी आम मुगल पीरियड रो नुह, एटा कहा विषय अछि आमर फोर फिरोज शाह तुगलक विषय। तेणु फितुआ इ जहांगीरी आउ तारिख इ फिरोज शाही बरानी लिखिथिले आउ ही डायड इन 1388, 1388 रे तांकर डेथ हला। तापरे सब्सिक्वेंट टाइम रे कोन हला ना लेटर तुगलक माने आसिले 1388 रु 1414 भितरे कोन हले ना फिरोज शाह तुगलक को परे गियासुद्दीन तुगलक शाह वन सक्सीड कले, ही वाज रिप्लेस्ड बाय अबू बकर शाह इन 1389। देन द स्टेट ऑफ मालवा सरकी सरकी माने जौनपुर, तापरे सूरज गुजरात ब्रोक अवे फ्रॉम द सुल्तानेट। देन अबू बकर वाज रिप्लेस्ड बाय नसीरुद्दीन मोहम्मद इन 1390। तेणु नसीरुद्दीन मोहम्मद जो थे ही वाज रिप्लेस्ड बाय अलाउद्दीन सिकंदर शाह फॉर ए ब्रीफ पीरियड इन 1394, बट रिगेन द थ्रोन आफ्टर सिकंदर्स डेथ। तेणु आम कहीपरिया आमर नसीरुद्दीन मोहम्मद से लास्ट रूलर थे, ही रूल टिल एडी 1412 ड्यूरिंग द हिज पीरियड तिमुर इनवेडेड इन इंडिया। तेणु तिमुर केवे आसते इंडिया को ना कहा टाइम रे नासिरुद्दीन मोहम्मद का टाइम रे आसला, नासिरुद्दीन मोहम्मद। ओके सो नासिरुद्दीन मोहम्मद का टाइम रे जो आसला तिमुर का जो इन्वेशन होता ही वाज द हेड ऑफ चगटाई तुर्क। देखो तुर्क सब टाइप रो तुर्क को आम देखुचे जो टाइप रो तुर्क को जो मैंने ताकू भी मन रख रेस्पेक्टिव नाम भी मन रख। ओके ताले मते कहो आमे जो पढ़ुले आम तुगलक मैंने से कौ टाइप रो तुर्क, कौ टाइप रो तुर्क ये देख लिखाई क्वारान्हा तुर्क, क्वारान्हा तुर्क। ओके ये मन रख। आउ तैमूर कौ तुर्क थे चटघाई तुर्क,
एंड रूलर ऑफ मंगोल इन सेंट्रल एशिया हु इन्वेडेड इन इंडिया इन 1398। 1398 पीरियड रे से इन्वेड करथिले इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तनु एटा देखो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक आमे पढ़थिले ताको टाइम रे लिखा हितला सेतिपे तैमूर पर्टिकुलरली 1398 रे इंडिया इन्वेशन करथिले का टाइम रे नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तापर देखो ही रॉब पीपल पीपल मानो को रॉब कले ही इज सेड टू हैव इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडिया मोर मिजरी दन हार्ड बिफोर दन डन बाय ए कॉन्करर इन ए सिंगल इन्वेशन। गोटे सिंगल इन्वेशन रे एते सारा माने खराब सिचुएशन कर देले। सो तिमूर नॉमिनेटेड फैजर खान टू रूल ओवर पंजाब एंड हिमसेल्फ रिटर्न टू सेंट्रल एशिया। सो ही डाइड ऑन हिज वे टू कॉन्कर चाइना इन 1404। तो 1404 रे तांकर जो कला बळकु बाटरे डेथ हे गला 1404 कार तैमूर मर। तो एई टाइम रे दिल्ली सल्तनत टाइम रे बा हमर तुगलक टाइम रे टैक्सेशन सिस्टम मन रखिबा फिरोज शाह तुगलक को टाइम रे तो न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन से स्टार्ट करथिले अकॉर्डिंग टू कुरान। कुरान को बेस करी की चारटा टाइप रो नाम देथिले गोटे ला खराज आउ गोटे ला जकात आउ गोटे ला जाजिया आउ गोटे ला खाम। तो आमे कोन करथिले ना जाजिया को सेपरेट टैक्स की करथिले फिरोज शाह तुगलक। तो जाजिया को आमे देखिबा जे जाजिया गोटे टैक्स जोटा की नॉन मुस्लिम बा ब्राह्मण मानन को टैक्स इम्पोज करा जाउथला बा नॉन मुस्लिम जो माने थिले। तापर देखो खराज, खराज हला गोटे लैंड टैक्स जोटा की 1/10 ऑफ प्रोसीजर ऑफ लैंड माने जति प्रोड्यूस होतला तार 1/10 खराज हिसाब रे दवा पे पड़तला का फिरोज शाह तुगलक बा सम्राट बा सुल्तान को। जकात 2.5% ऑफ टैक्स ऑन प्रॉपर्टी मुस्लिम मानो को ही खाली दिया होतला। तनु जजिया और जकात दिटा जको अपोजिट मुस्लिम माने 2.5% ऑफ टैक्स प्रॉपर्टी रो से माने दोतले जकात हिसाब रे। तापर जदि हम देखिबा खाम, खाम माने कोन ना बूटी कैप्चर ड्यूरिंग द वॉर। वार टाइम रे बुटी बा स्पेशल टैक्स ओटे एटा कहि परिबा बुटी जो कैप्चर करा जाय था 1/6 ऑफ द बुटी कैप्चर ड्यूरिंग वार को हम कोन कहउ छथि खाम कहउ छथि। तनो ए चारटा जिनस मन रखियो बहुत इंपोर्टेंट। जाजिया रो ऑपोजिट हला जकात, फराज हला कोन हमर जो प्रोड्यूस जो लैंड रो प्रोड्यूस होची तार 1/10 हला खराज आउ खाम कोन जेते बले वार होची तार 1/6 ऑफ द बुटी व्हिच इज कैप्चर ड्यूरिंग द वार। तापर देखो नेक्स्ट सईद डायनेस्टी। सईद डायनेस्टी हम स्टार्ट करिवा तो एबे पढ़ीबा में साइद डायनेस्टी 1414 टू 51। तो इतरे भी देखो 1414 टू 51 तो एमती देखिले हमें केते 30 इयर्स पाखा पाखी हम रही जाऊ। तो काजिर खान बेसिकली से फाउंड करथले साइद डायनेस्टी एंड क्लेम टू हैव डिसेंडेड फ्रॉम प्रॉफेट ऑफ इस्लाम। तो से गोटे जड़े प्रॉफेट ऑफ इस्लाम कर डिसेंडेंसी को क्लेम करथले। ही हेल्प तैमूर इन हिज इन्वेशन सो वाज गिवेन द गवर्नरशिप ऑफ लाहौर। तो से गवर्नर ऑफ लाहौर जो थिले से गवर्नरशिप जो देला परे कैमूर तैमूर आसतिले आ तैमूर सेथरे ताकू हेल्प करथले तैमूर को। तो काजिर खान बेसिकली से रियास रयत ई आला एंड नॉट ऑफ ए किंग। तो काजिर खान टुक द टाइटल ऑफ रियत ई आला एंड नॉट ऑफ ए किंग। सो द कॉइन वर स्ट्रक एंड खुतबा वर रीड इन द नेम ऑफ तैमूर एंड हिज सक्सेसर शाहरुख। तेणु देख तैमूर को बेस जदि किए कौ सुल्तान बेस आसोसिएट थे जब कह सईद डायनेस्टी। काजिर खान थ्री सक्सेसर वेर इनकैपेबल रूलर जमी मुबारक शाह जिकि 1421 टू 34 हु लेड द सक्सेसफुल एक्सपेडिशन अगेन्स्ट मेवातीस खेतेहर्स एंड गांगेदी दोआब एरिया। ही वाज किल्ड एंड डिपोज्ड बाय द नोबल्स। देन मोहम्मद शाह मुबारक शाह आसिले तापरे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जदि आम देखिबा से तांकर रूल करथिला 1434 टू 43 से रूल करथिले बहुत स्मॉल एरिया को नेकी की रेस्ट बीइंग गवर्नड बाय नोबल्स। अलाउद्दीन शाह आलम वाज द लास्ट सईद किंग हु रिटायर्ड एज ए कवर्ड डिसेंडिंग इन फेवर ऑफ बहलोल लोदी। तो जो आम तीनटा पुओ देखिले थ्री तीनटा सक्सेसर पुओ तो नुह सक्सेसर फर्स्ट मुबारक शाह तापरे मोहम्मद शाह तापरे अलाउद्दीन शाह आलम। तो अलाउद्दीन शाह आलम बेसिकली वाज द लास्ट सईद किंग हु रिटायर्ड एज ए कवर्ड डिसेंडिंग इन फेवर ऑफ बहलोल लोदी। थस द सईद डायनेस्टी वाज रिप्लेस्ड बाय लोदी डायनेस्टी। सो यहा बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सिरहिंदी से कौन लिखते तुर्किस इ मुबारक शाही हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद शाह ऑफ सईद डायनेस्टी। तो एटा भी इंपोर्टेंट यहा बिन अहमद बिन अब्दुल्ला यहा बिन अहमद बिल अब्दुल्ला एटा इजिली मन रख पारिबो यहा बिन अहमद बिल अब्दुल्ला सिरहिंदी। तब देखो लोदी डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी आमे पढ़ी सारी की सेती की डिस्कस करी की तापरे सल्तनेट एडमिनिस्ट्रेशन आउ
जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सुल्तानेट टाइम रे जो कल्चरल डेवलपमेंट हेतला ताकू आमे नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करिवा। तो लोदी डायनेस्टी देखो 1451 रो 1526, जो 1526 को तुम्हें निहाती मन रखियो कौन पई ना बैटल ऑफ पानीपत हेतला। तो 1451 रो 1526 जाय कौन कौन सब हेतला लोदी डायनेस्टी सहित एसोसिएट जहां सब जिंस आमे एबे पढिवा। तो ये जो लोदी डायनेस्टी इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ इंडिया जो हम कहवा लोदी डायनेस्टी, दे वर रूलिंग ओवर सिरहिंद, से सिरहिंद रे रूल करथले व्हाइल सईद डायनेस्टी रूल ओवर इंडिया। सईद डायनेस्टी जितेबले इंडिया रे रूल करथले से सिरहिंद रे रूल करथले किए लोदी डायनेस्टी। तो सिरहिंद तमे चेक करि परिबो पाकिस्तान पाखापाखी एरिया। तापर देखो बहलाल लोदी जी की फास्ट रूलर थिले बा फाउंडर थिले लोदी डायनेस्टी रो, सी रिवाइव सुल्तानेट टू क्वाइट एन एक्सटेंट। तो सुल्तानेट को से किसी एक्सटेंट रे रिवाइव करथिले, एंटायर सर्गी किंगडम को अनेक्स करथिले आउ बहलाल कॉइन इशू करथिले, बट से थ्रोन रे केबे भी बसी पार नथिले। यूज टू सिट ऑन कारपेट अलोंग विथ अमीन, तनो थ्रोन रे से बसी नथिले केबे, कोडी बसथिले अमीन मानको सहित कारपेट रे बसथिले। तापर देखो सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी यदि हमें देखिया 1489 रो 1517, तो सिकंदर लोदी पर हमें पढ़िबा इब्राहिम लोदी, एति के पढ़ी कि हमरो ए पार्ट को कंप्लीट हो जइबो। तो फर्स्ट मन रखियो बहलाल लोदी, बहलाल लोदी से किए फाउंडर ऑफ लोदी सुल्तानेट। तापर सिकंदर लोदी नोबेलिस्ट ऑफ द थ्री लोदी रूलर, रियल नेम वाज निजाम खान। तो निजाम खान को हम कहि परिबा निजाम खान जो थिला कहारो ना थिला ना सिकंदर लोदी को ना थिला। सिकंदर लोदी केबे राजा केबे से पावर को आसतले थ्रोन को आसतले 1489 टू 1517, जे कि बहलाल लोदी को सन थिले। से बिहार और बंगाल को कनकर करथिले 1504 रे, आउ नुआ सिटी एस्टाब्लिश करथिले आगरा रे, एंड कैपिटल काकू आगरा को कैपिटल करथिले। ही वाज द सन ऑफ बहलाल लोदी, दुई थर लिखाई छी। ही वाज ए मुस्लिम फनाटिक एंड ब्रोक द सैक्रेड इमेज ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल। तनो ज्वालामुखी मुस्लिम माने प्योर मुस्लिम हिसाब रे से क्रूर मुस्लिम थिले से, तेणु ज्वालामुखी टेम्पल जो नागरकोट रे जो थिला सेटा को ब्रोक करथिले बा भांगी देथिले, एंड ऑर्डर द टेम्पल ऑफ मथुरा टू बी डिस्ट्रॉयड। मथुरा रे जो टेम्पल थिला ताको भी डिस्ट्रॉय करिया पे ऑर्डर करथिले। तापर एफिशिएंट एस्पिनोइस माने स्पाई जो थिले जो लुची की जो रखंती आमर जो इंटेलिजेंस रखंती, से एस्पिनोइस सिस्टम को से सेटअप करथिले। तापर जुडिशियरी सिस्टम को भी से सेटअप करते एंड इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट। तेणु मन रखिबो जे सिकंदर लोदी से कौन करते ना सिस्टम ऑफ ऑडिट करने बा ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट को से इंट्रोड्यूस करते। तापर ही एनकरेज एग्रीकल्चर फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड इंट्रोड्यूस्ड गज ई सिकंदरी, से गज ई सिकंदरी इंट्रोड्यूस करते। एग्रीकल्चर को तो समस्त एनकरेज करते, बट ये जो इंट्रोड्यूस करते मेजरमेंट ऑफ लैंड से कौन से गज ई सिकंदरी से इंट्रोड्यूस करते। ही वाज ए पोएट एंड रोट वर्सेस इन पर्सियन अंडर पेन नेम ऑफ गुलरखी। ओके सो पेन नेम जो थिला गुलरखी सेथिरे से पर्सियन वर्सेस सब राइटिंग करथले। तापर ही रिपेयर्ड कुतुब मीनार, आउ जने कुतुब मीनार भी रिपेयर करथले। तापर एबे देखो इब्राहिम लोदी जो जे कि 1517 रो 26 मात्र केते 9 वर्ष से शासन करथले। इब्राहिम लोदी अरेस्टेड द अब्सोल्यूट पावर्स ऑफ सुल्तान, एज ए रिजल्ट सम ऑफ द नोबल्स टर्न अगेंस्ट हिम। एट लास्ट दौलत खान लोदी द गवर्नर ऑफ पंजाब इनवाइटेड बाबर टू ओवरथ्रो इब्राहिम। तो जेहेतु इब्राहिम लोदी अब्सोल्यूट पावर जो थिले माने माने सुल्तान जो पावर रखिया कथा सेथिरे से बहुत सारा पावरफुल निजको होइ जाइथिले, जेद्वारा कौन है ना आमर नोबेल माने ताको एगेंस्ट होइ जाइथिले। जेमती तांकर अंकल कहि परिबो दौलत खान लोदी से बाबर को इनवाइट करथिले। सो ही कैप्चर्ड ग्वालियर एंड वाज डिफिटेड बाय राणा सांगा ऑफ मेवाड़। तो ग्वालियर को से कैप्चर करथिले बट डिफिट राणा सांगा जो थिले तांको द्वारा से डिफिट हो जाइथिले इब्राहिम लोदी। ही वाज डिफिटेड एंड किल्ड एट द हैंड ऑफ बाबर इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। सो दिस मार्क द एंड ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। तो बैटल ऑफ पानीपत मार्क द एंड ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, एति की पढ़ीबार थिला आज। तो दिल्ली सुल्तानेट कौन पाई तार डिक्लाइन हला पूरा आमर जो एंड हो गला ना, डेस्पोटिक ऑटोक्रेटिक एंड मिलिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वार ऑफ सक्सेशन, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, वास्टनेस ऑफ एम्पायर एंड इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, तैमूर्स इन्वेशन, इनकॉम्पिटेंट नोबिलिटी एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्लाव ड्यूरिंग फ्यूचर ऑफ तुगलक। ओके तो
ତ ଏଇସବୁ ହେଲା କ'ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅପ୍ସନାଲ ଯାହାର ଥିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ, ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ବଟ୍ ଏଥିରେ ବି କିଛି ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ, କହି ହେବନି, ତେଣୁ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତାନେଟ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ତମେ ଯେଉଁ 5ଟା ଅନଲାଇନ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବ, ସେ 5ଟା ଅନଲାଇନ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ତମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଓକେ, ତ ଆଜିର ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା, ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍, ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଓପନ୍ କରୁଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଓଭରରିଡ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ହଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମର ଡିସ୍କସ୍ ହେଇନଥିଲା କାଲି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ପଢ଼ାଉଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଡିସ୍କସ୍ କରିପାରିନଥିଲି। ବଟ୍ ଏଇଠି ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ 15ର ଦେଖିବା 2 ମିନିଟ୍, ତାପରେ 16ର ଆଉ 3-4 ମିନିଟ୍ ଦେଖିବା, ଏମିତି ହେଇକି ଆମର ଏ ପାର୍ଟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେମିଂ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫର୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପଲିସି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ପିଲା ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବ ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ। ପବ୍ଲିକ୍ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ପରଚେଜ୍ କରିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ, ଯାହା ସବୁ ତାର ଜିନିଷ ଦରକାର ହେବ, ଆମର ଯେମିତି ଘରେ ଦରକାର ହେଉଛି ଜିନିଷ, ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ସେମିତି ଦରକାର ହୁଏ, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯାହା ଯେତେବେଳେ କିଣା କିଣେ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କହୁଛେ। ତ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କିଣିବ, ମନ ଇଚ୍ଛା କିଣିପାରିବନି ଆମ ଭଳିଆ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ପଲିସି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବ, ସବୁ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପଲିସି। ତ ସେଣ୍ଟର ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଅନ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଟୁ ରିଫର୍ମ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟ ଓଭରରନ୍, କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ୱିଥ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଇରେଗୁଲାରିଟି। ସୋ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ପରଚେଜ୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର। ତ ଚେଞ୍ଜିଂ ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଛି ନା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ମିସ୍ ଟେଣ୍ଡରିଂ ହେଉଛି, କାଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି, କଲୁସିଭ୍ ବିଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ଏସେଲ୍ ରହୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନୂଆ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଅଛି, ନୂଆ ମେଜର୍ ଆସିଛି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଟୁ ଫାସିଲିଟେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କମନ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍, ହୁଇଚ୍ ଏନ୍ହାନ୍ସେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି ଏବେ, ବେସିକାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ କରୁଛୁ ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପୋର୍ଟାଲ, ତଥାପି ଆମେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛୁ। ତାପରେ ଦେଖ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ପଲିସି ୱିଣ୍ଡୋ ଫର୍ ପଲ୍ସେସ୍ ଟିଲ୍ ଡିସେମ୍ବର 31। ତ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ପଲିସି ଗୋଟେ କରୁଛି, ଫ୍ରି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ପଲିସି ୱିଣ୍ଡୋ ଫର୍ ପଲ୍ସେସ୍ ଟିଲ୍ ଡିସେମ୍ବର 31। ତ ପଲ୍ସେସ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅଛି, ପଲ୍ସେସ୍କୁ ନେଇକି ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପଲ୍ସେସ୍ ଆର୍ ଇଡିବଲ୍ ସିଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଲେଗ୍ୟୁମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ସୋ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ 11 ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପଲ୍ସେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଡ୍ରାଇ ବିନ୍, ଡ୍ରାଇ ପିଆସ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିକ୍ ପିଆସ୍ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ସୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ 25% ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ, ପଲ୍ସେସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍ ବି ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 27% ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍, ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟର୍ 14% ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛି ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ତ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟର୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ସୋ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଏରାଉଣ୍ଡ 84% ଅଫ୍ ଏରିଆ ଅଣ୍ଡର ପଲ୍ସେସ୍ ଇଜ୍ ରେନ୍ ଫେଡ୍, ରେନ୍ ଦରକାର ହେଉଛି 80% ଏରିଆ, ହାଇ ଇଲ୍ଡ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, ମାନେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ଇଲ୍ଡ ପାଇଁ, ମାନେ ହାଇ ଇଲ୍ଡ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, ମାନେ ଟିକେ ଲେଙ୍ଗଦି ରହୁଛି। ନନ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଲୋକେସନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ହାଇ ଇଲ୍ଡ ଭେରାଇଟି କ୍ୱାଲିଟି ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ସିଡ୍ସ, ହାଇ ଭଲନେରେବିଲିଟି ଭଲନେରେବିଲିଟି ଅଫ୍ ବାୟୋଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆବାୟୋଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଇନ୍ଆଡିକୁଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତ ପଲ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ନୂଆ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇଛି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସ୍କିମ୍ ଫର୍ ଅଏଲ୍ ସିଡ୍, ପଲ୍ସେସ୍, ଅଏଲ୍ ପାମ୍, ମେଜ୍, ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିଶନ୍, ପ୍ରାଇସ୍ ସପୋର୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଫର୍ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଫର୍ ପଲ୍ସେସ୍, ଅଏଲ୍ ସିଡ୍ ଆଣ୍ଡ କୋପ୍ରା, ଯେଉଁଟାକି ପିଏମ୍ ଆଶା ଆମେ କହୁଛେ। ତାପରେ ଦେଖ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ରୁଲ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରି ଆଡପ୍ସନ୍। ତ ଆଡପ୍ସନ୍କୁ ନେଇକି ଅଛି, ଆଡପ୍ସନ୍ ଦେଖିବ କାରା କ'ଣ, ଦେଖିବ ଏଠି ପଢ଼ିବ, ନିଜେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କାରା। ଓକେ, ତ ଏଠି ଦେଖ, କାରାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଥିବ ଯାହା ହେଲେ ବି, ତ କାରା ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟାଚୁଟାରୀ ବଡି ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଏମ୍ଓ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନୋଡାଲ୍ ବଡି ଫର୍ ଆଡପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ବୋଥ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରି ଆଡପ୍ସନ୍। ହାମା, ହାମା କ'ଣ, ହାମା ଇଜ୍ ଏଠି ଦେଖ, କାରାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଦେଇଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଆଡପ୍ସନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଜେନ୍ସି, ଆଉ ହାମା ଦେଖ ଏଠି ଥିବ ହାମା। ତ ହାମା ଇଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ 1956 ହୁଇଚ୍ କଭର୍ ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ୍, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଜୈନ। ତା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ହିନ୍ଦୁ ଆଡପ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆକ୍ଟ। ତ ଏଥିରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ
ଶିଖ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଜୈନ ଏଥିରେ କଭର ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଭର ହେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମଲ୍ଟି ବିଲିୟନ ଡଲାର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ତ କ'ଣ କରୁଛି ନା ରିପର୍ପୋଜିଂ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଫୁଡ୍ ସିଷ୍ଟମ। ତ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ UNDP ଆଉ UNEP ବେସିକାଲି ଫୁଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ସମିତିକୁ ନେଇକି ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ନିଜେ ପଢ଼ିବ। ଦେନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସାଇନ୍ 5 MOU ୱିଥ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଫର ଟକିଂ ଫର ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫରୱାର୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ତ ସାଇନ୍ ହେଇଛି ୟା କାହା କାହା ଭିତରେ, ସିସ୍କୋ, ନିଜାକାର୍ଟ, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ବଟ୍ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। କ୍ଲଷ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ଏଇଟା ତାକୁ କିଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଛି, ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ SIDBI, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଓଭର 350 crore କମିଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଟୁ ଆସାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର CDF। ସୋ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡିୟମ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ହାଜ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫର ଏନହାନ୍ସିଂ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି, କମ୍ପିଟେଟିଭନେସ୍ ଆଣ୍ଡ କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ MSE। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ କମନ୍ ଫେସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ଫର ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର, କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସେସ୍ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ତାପରେ ଦେଖ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ, ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଭିଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାପିଂ ୱିଥ୍ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିଲେଜ୍ ଏରିଆ ସ୍କିମ୍। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ, ଏଇଠି ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ କରିବ ନା ବେସିକାଲି ରୁରାଲ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫର ଦ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିରେ କେଉଁଠି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ହେବ ନା ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତ ଯାହା ବି ଆମର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିବ ଭିଲେଜ୍ ଲେବୁଲରେ, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସେଟେଲ। ତାପରେ ପ୍ରିପେଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ପ୍ରିପେଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମାନେ RBI କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ସନ ଇସ୍ୟୁ କରିଛି ପ୍ରିପେଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ନୋ ଏଣ୍ଟିଟି କ୍ୟାନ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପରେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଫର PPI ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରାୟର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଅର୍ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ RBI। ସୋ PPI ଆର୍ ଟୁ କାଟାଗୋରି, ସ୍ମଲ୍ PPI ଆଉ ଫୁଲ୍ KYC PPI। ତ କିଛି କାଟାଗୋରି ଅଛନ୍ତି KYC ଦରକାର ହେବନି, ଆଉ ଥରେ KYC ଦରକାର ହେବ। ସୋ ଦେର୍ ଆର୍ ଇୟର୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଜ୍ କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ଆଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ସିଷ୍ଟମ, ସେମି କ୍ଲୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଓପନ୍ ସିଷ୍ଟମ, ବଟ୍ ଏବେ ଦୁଇଟା କାଟାଗୋରି। RBI ଅଣ୍ଡର ପେମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ 2005 ଡିଫାଇନ୍ PPI ଆଜ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦାଟ୍ ଫେସିଲିଟେଡ୍ ବାଇଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡ, ଫିନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍, ରିମିଟାନ୍ସେସ୍ ଏଗେନ୍ସ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟୋର୍ ୱିଦିନ୍ ଅର୍ ଅନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ରିଚେଷ୍ଟ 10% ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ ଓଭର 50% ଅଫ୍ ଆସେସ୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ସର୍ଭେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ସର୍ଭେ କିଏ କିଏ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛି ବା କିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିବ। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ନାସାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗେଟ୍ ନଟ୍ ଫର ଫେଜ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଏଲ, ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଡିମାଣ୍ଡ ଟୁ କ୍ଲାସିଫାଇ ଟକ୍ସିକ୍ସ 3 O's ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍। 3 O କ'ଣ? ଅକ୍ସିଭେଞ୍ଜନ, ଅକ୍ସି ଅକ୍ଟିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅକ୍ଟୋକ୍ରାଇଲିନ୍। ତାପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଅଟଲ ଇନୋଭେସନ ମିଶନ, ନୀତି ଆୟୋଗ ଇନ୍ କୋଲାବୋରେସନ୍ ୱିଥ୍ ଡାଜେଲ ସିଷ୍ଟମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କନ୍ସେପ୍ଚୁଆଲାଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ଇନ୍ 2017। ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁଇଜ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ୟୁଥ୍ ଆଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟ ଆଜ୍ ଆନାଉନ୍ସ ଫ୍ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର 2 lakh ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନମିନେଟେଡ୍ ବାଇ 1 lakh ଫର ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁଇଜ। ତ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁଇଜ ବି ଏଥିରେ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବ। କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉଦାନ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉଦାନ ତାକୁ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ନା IIT ବମ୍ବେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମର ଇଂଲିଶରୁ ହିନ୍ଦୀକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ସୋ ଇଟ୍ ଏମ୍ ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବ୍ୟାରିୟର ଦ୍ୟାଟ୍ ମେନି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫେସ୍ ୱେନ୍ ଦେ ଜଏନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍। ସୋ ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଟ୍ ଡୋନେସନ୍ ବେସ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଆମର ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ଏଇଟା 15ର ଦେଖିଲେ, 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବି ସେମିତି ଦେଖିଦେବା। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୋଭ୍ସ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ ରିଫର୍ମ ଇନ୍ ଟେଲିକମ୍ ସେକ୍ଟର। ତ ଟେଲିକମ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୋଭାଲ୍ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ରସ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିନେସନ୍କୁ ରେସନାଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆମର ନନ୍ ଟେଲିକମ୍ ରେଭିନ୍ୟୁକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି, ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ୟର୍ ମୋରାଟୋରିୟମ୍ ଅନ୍ ଟେଲିକମ୍ ଡ୍ୟୁ ୱାଜ୍ ଆପ୍ରୋଭ୍, ନୋ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଇସେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ଏରିଆ ରିଜନ୍ସ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି, ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଟେନ୍ୟୁର ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଅକ୍ସନ୍ ଟେନ୍ୟୁର ଅଫ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରମ 20 to 30 ଇୟର, ନୋ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ୟୁସେଜ୍ ଫର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଅକ୍ସନ୍, 100% ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଅଟୋମେଟିକ୍ ରୁଟ୍ ପରମିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଟେଲିକମ୍ ସେକ୍ଟର। ତେଣୁ ଟେଲିକମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆମର 100% FDI ପରମିସନ୍ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରୋସିଜରାଲ ରିଫର୍ମ, ଫିକ୍ସିଂ ଅଫ୍ ଅକ୍ସନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଡଭାଇଜରି କମିଟି ଅନ୍ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଲୋକେସନ୍, କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଫର ଟେଲିକମ୍ ଟାୱାର। ତ ଏଇ ଇଟ୍ ମେକ୍ସ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅନ୍ ମେଜର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଲୋକେସନ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତାହେଲେ ୟାଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ହେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ଡେଭ୍ ଲାଡେନ୍ ସେକ୍ଟର, ଏନକରେଜ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ବର୍ଡନ୍ ଅନ୍ ଟେଲିକମ୍ ସର୍ଭିସେସ୍,
टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, इन्फ्यूज लिक्विडिटी एंड क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन 5G नेटवर्क। सो टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया जदि हम देखिबा, इंडिया इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट विथ ए सब्सक्राइबर बेस ऑफ 1.2 बिलियन इंक्लूडिंग 782.86 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर। थिएटर कमांड विल रिपोर्ट टू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। फर्स्ट टाइम इंडिया सीडीएस पब्लिकली डिस्क्राइब द इंडियन मिलिट्री डेलीबरेशन ऑन रिकॉग्नाइजिंग इटसेल्फ इनटू इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड सिक टू इंटीग्रेट द कैपेबिलिटी ऑफ थ्री सर्विसेज, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, एंड ऑप्टिमली यूटिलाइज द रिसोर्स फॉर वॉर एंड ऑपरेशन। सो द आइडिया ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड हैज बीन प्रपोज बाय बोथ द कारगिल रिव्यू कमिटी एज वेल एज डीबी सकेतकर कमिटी। सो द 17 सिंगल सर्विस कमांड दैट करेंटली एग्जिट वुड बी कंबाइंड इनटू जस्ट फॉर जियोग्राफिकल कमांड, वेस्टर्न थिएटर कमांड, नॉर्दर्न थिएटर कमांड, मेरीटाइम कमांड एंड आइलैंड कमांड। सो एयर स्पेस एंड साइबर वॉर वुड बी 5th-6th आईटीसी। तो सीडीएस कौन? सीडीएस इज ए प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑल ट्राई सर्विस मैटर। तो सीडीएस इज एन पार विद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट एज। तापरे आर्सेनिक कंटामिनेशन इन ह्विट पोटाटो इन रूरल बिहार। बिहार रे हमरो कोन होची ना आर्सेनिक कंटामिनेशन रहउची ह्विट और पोटाटो रे। तो आर्सेनिक गोटे कौन? आर्सेनिक गोटे नेचुरल कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एनवायरमेंट इन एयर वाटर एंड लैंड। सो आर्सेनिक इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सॉयल एंड ग्राउंड वाटर ड्यूरिंग वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल फॉलोड बाय सब्सिक्वेंट लीचिंग एंड रन ऑफ। सो इट इज हाईली टॉक्सिक इन इट्स इनऑर्गेनिक फॉर्म। पीपुल बेसिकली से एक्सपोज होती एलिवेटेड लेवल ऑफ इनऑर्गेनिक आर्सेनिक थ्रू ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, यूजिंग कंटामिनेटेड वाटर इन फूड प्रिपेरेसन, इरीगेशन ऑफ फूड क्रॉप, ये सब। सबुठ इम्पोर्टाट कौन? आमर आर्सेनिक जो कौन हुए ब्लैक फूड डिजीज हुए, यहाँ मन रख। वेस्ट बेंगल, झारखंड, बिहार, यूपी, आसाम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ इतने मोस्ट अफेक्टेड आर्सेनिक कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एबव द डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन वैल्यू ऑफ 10 माइक्रोग्राम पर लीटर इतने देखा जाऊँगी। सो ग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड विथ आर्सेनिक इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर इरीगेशन एंड फाइंड इट वे इन टू फूड चेन। तापरे कैबिनेट अप्रूव कर 26,058 करोर प्रोडक्शन लिंक इनसेंटिव स्कीम फॉर ऑटो ड्रोन इंडस्ट्री। तो ऑटो ड्रोन इंडस्ट्री को लेकिन ऑटो आउ ड्रोन इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री को कौन कर 5 वर्ष ड्यूरेशन रही, ड्रोन इंडस्ट्री पे 3 वर्ष रही। ऑब्जेक्टिव कौन ना कॉस्ट डिजेबिलिटी फॉर इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर ऑफ एडवांस ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इन इंडिया। पीएलआई फॉर ड्रोन इंडस्ट्री जो देखा स्ट्रैटेजिक टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल यूज ऑफ इट्स रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। पार्टिसिपेंट मैंने ये देख लिखाई है हु आर करेंटली, ये देख आम पर डिस्कस करवा कौन पाने ये डिटेल पढ़वनी तुमर। तापर नेक्स्ट जिनस 68th क्राइम इन इंडिया 2020 आनुआल रिपोर्ट नेशनल क्राइम रेकर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रेकर्ड ब्यूरो भितर देख आम जो कम्युनल रियट बेसी होती, केस रियट, कास्ट रियट, अग्रारियन रायट, ये सब जिन बेसी हो। तो शेड्यूल ट्राइब क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट इनक्रीज हो, आउ इकोनॉमिक ऑफेंसेस 12% इनक्रीज, साइबर क्राइम 11.8%। तापरे आउ हाइलाइट जदि देखिबा द केसेस ऑफ सेडिशन डिक्लाइन हिची, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैव बीन सीन डिक्लाइन, ए सब मेजर जिनस गुड़ा डिक्लाइन हिची। बट कास्ट रिलेटेड जो अच्छी ताकू इनक्रीज हिची, एडी जुवेनाइल अगेंस्ट हमरो डिक्रीज हिची। तापरे अकुश यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया जॉइन करछंती अकुश फॉर्मेशन हिची, न्यू ट्रायलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इन इंडो पैसिफिक रीजन, यूएस यूके और ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ अकुश विल हेल्प ऑस्ट्रेलिया अक्वायर न्यूक्लियर पावर कन्वेंशनली आर्म सबमरीन फ्लीट। एटा देखो क्वाड रे जेमती हमर इंडिया रे अछि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हैविंग यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया, सेमती एटी जापान आउ इंडिया नांती बट यूके आउ ऑस्ट्रेलिया अछंती नुवा। तापरे यूएनसीटी एडिट ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज करछि, इंडिया सफर्ड ए कंट्रैक्शन, इंडिया रो कंट्रैक्शन हिची आउ टोटल 3.5% फॉल हिची ट्रेड। तापरे यूएन सीटीएडी एक्सपेक्ट करुछि जे 3.6% ग्रो करिवो बोली 2022 रे। तापरे सोयना कैंपेन और जीरो पोल्यूशन डेलीवरी व्हीकल एटा इनिशिएटिव बाय वर्किंग विथ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री। तो बेसिकली इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग।
एंड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ RMI इंडिया। तो कैंपेन एम टू एक्सिलरेट द अडॉप्शन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन अर्बन डिलीवरी सेगमेंट एंड क्रिएट कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट बेनिफिट ऑफ जीरो पॉल्यूशन डेलीवरी। तापरे ट्रांसपेरेंट सेरामिक, इंडिया रो रिसर्चर माने कोन करछन्ती ना ओटे ट्रांसपेरेंट सेरामिक डेवलपमेंट करछन्ती। सेरामिक रो टेक्निकल नेम कोन, मैग्नीशियम अल्युमिनेट स्पाइनल सेरामिक। स्पाइनल इज ए करेंटली एमर्जिंग एज ए ट्रांसपेरेंट सेरामिक बेस्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसमिशन। द मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर थर्मल इमेजिंग एप्लीकेशन स्पेशली इन हार्श सर्विस कंडीशन एंड पर्सनल प्रोटेक्शन सिस्टम सच एज हेलमेट फेस शील्ड एंड गूगल्स। तापरे हाइबोडोंट सार्क, हाइबोडोंट सार्क देखो टीथ ऑफ ए स्पेसीज हाइबोडोंट सार्क ऑफ जोरासिक एज हैज बीन रिपोर्टेड फॉर फर्स्ट टाइम इन राजस्थान जैसलमेर। हाइबोडोंट एंड एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ सार्क was a dominant group of fish in both marine and fluvial environment during the Triassic and Early Jurassic time. However, it started to decline in marine environment from Middle Jurassic onward. The finally became extinct at the end of Cretaceous time 65 million years ago. तो हाई एडा ए जो पर्टिकुलर टाइप रो सार्क को मन रखियो हाइबोडोंट सार्क, एडा खाता रे लिखी की मन रखियो एनवायरमेंट सेक्शन रे। इंडिजिनियस राइस वैरायटी जो डी फोक राइस को आउची, तो 12 फोक वैरायटी ऑफ इंडियन राइस एग्जामिन बाय रिसर्चर कैन सप्लीमेंट द न्यूट्रिशनल डिमांड ऑफ इंपोर्टेंट फैटी एसिड इन अंडर न्यूरिस्ड मदर। इंडिया रे हमर कोन होची ना मेनी फोक वैरायटी लाइक अथिकरिया, दूधसर, कयामी, नीलम संभा, श्रीहाती, महरजी, बेजरी आर नोन एज फोक मेडिसिन टू एनहांस मिल्क प्रोडक्शन इन लैक्टेटिंग वुमेन। सो अदर ट्रेडिशनल वैरायटी लाइक केलास, दूधबल्टा, भूतमरी आर रिच इन आयरन एंड कैन बी इंक्लूडेड इन डाइट ऑफ मदर टू ट्रीट एनीमिया। तापरे जयंगर मोआ, रिसेंटली इंडिया पोस्ट इज इन कोलाबोरेशन विथ एपिडे बाय एपिडा रिलीज इन स्पेशली डिजाइन एनवलप टू कमेमोरेट जयनगर मोआ। सो फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय आशुतोष दास ऑफ जयनगर इन 1904, जयनगर मोआ इज ए स्वीट डेलिकेसी फ्रॉम वेस्ट बंगाल व्हिच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कनकचूर खोल, फ्राइड एटॉमिक पैडी, आरोमिक पैडी, नोलेनगुर, घी, खोया खीर, कार्डामम, राइजिन एंड किशू नट्स। In 2014, it got the GI tag. तो जयनगर मुआ उड़े GI tag भी पाई थी। Florence Nightingale, जे की Indian Nursing Council, is a statutory body under Ministry of Health and Family Welfare, grant the Florence Nightingale Award to recognize the contribution of healthcare worker. So Florence Nightingale, known as the Lady with the Lamp, was a British nurse, social reformer, and statistician, best known as the founder of modern nursing. International Nurse Day is celebrated around the world every May 12, the May anniversary of Florence Nightingale birth. Places in news, देखो historical place news रहो ची, recently CBDT declared Kushinagar Airport as a custom notified airport. So located on north eastern Moringal area of Uttar Pradesh, Kushinagar is major Buddhist pilgrim center where Gautam Buddha achieved Mahaparinirvana in 483 BC, जो थी तांकर death ही थिला. इट इज काउंटेड एमंग फोर सैक्रेड प्लेसेस ऑफ लॉर्ड बुद्ध। आउ तीन टा कौन, लुम्बिनी, बोधगया और सारनाथ। आफ्टर महापरिनिर्वाण बुद्ध वाज क्रिमेटेड एट रमाभार स्तूप, मन रखिब आफ्टर महापरिनिर्वाण बुद्ध वाज क्रिमेटेड एट रमाभार स्तूप एल्सो कॉल्ड मुकुट बंधन चैत्य और मुक्त बंधन विहार ऑफ कुशीनगर बिल्ड बाय माला किंग। तेणु कौ स्तूप महापरिनिर्वाण पर बुद्ध क्रिमिट 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 होते सेटा मन रख। ओके सो एमती है कि आम पार्ट को कम्प्लीट करदे आम। सो टोटाल 53 मिनिट्स दुईटा दिन करेन्ट अफेयर प्लस आम गोटे चैप्टर गोटे सेक्शन को आम कवर कले। ओके सो एमती है कि जो टेस्ट मुझे तुम मानक करने टेस्ट आंसर कर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।